जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। नमस्कार, शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपने नदी, तालाब, समुद्र में मछलियों को तैरते हुए तो अक्सर देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मछलियां हमेशा तैरती ही रहती हैं। क्या कभी ये आपने सोचा कि मछलियां तैरते हुए थकती क्यों नहीं, या फिर कभी ये सोचा कि ये मछलियां सोती नहीं है क्या? अगर सोती भी है तो कैसे सोती होंगी? तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करना परेशान हो गए हम लोग। दुनिया में मछलियों की 28,000 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिनमें 970 तरह की तो सिर्फ शार्क हैं। आपने जानवरों को तो सोते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने मछलियों को सोते हुए देखा है क्या? अगर आप हमसे ये प्रश्न करें तो इसका उत्तर होगा हाँ, मछली सोती है। अरे नहीं, मछली नहीं सोती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं हम, एक ही जवाब बताओ कि मछली सोती है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है मछलियों पे कि वो कौन सी मछली है। पहले तो आपको बता दें कि जैसे हमको आराम की जरूरत होती है, वैसे ही मछलियों को भी आराम की जरूरत होती है। इसलिए मछलियाँ रेस्ट भी करती हैं और सोती भी हैं। मछली में हमारे इंसानों जैसा नहीं होता है कि जब रात होगी तभी वो सोएंगी, वरना नहीं। मछली अपनी थकान दूर करने के लिए बीच बीच में आराम कर लेती है। आपने अगर मछली घर में ध्यान से देखा हो तो कुछ मछलियाँ तैरती रहती हैं और कुछ मछलियाँ सोती हैं, और सोते वक्त उनका आधा शरीर सोया हुआ रहता है और आधा शरीर जगा रहता है, और दिमाग का जो हिस्सा जगा रहता है वो उसको मूवमेंट कराता है। लेकिन सोते वक्त उनका दिमाग एक्टिव रहता है। ज्यादातर जो नॉर्मल मछलियां होती हैं वो सोने के लिए एक जगह पर रुक कर सोती हैं। जिनके घरों में मछलियां होती हैं उनको पता भी होगा, तब उनका ब्रीथिंग और मेटाबॉलिक रेट कम होता है और दिमाग की हलचल धीरे हो जाती है। तो कुछ कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो समुद्र के गहरे पानी में होती हैं। गहरे पानी में होने से वो मछलियाँ सोती भी नहीं है। कुछ ही ऐसी मछलियाँ होती हैं, उनका ये राज अभी तक किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जितनी भी हम मछलियाँ देखते हैं उनमें से ज्यादातर सभी मछलियाँ सोती हैं। अधिकतर मछलियों की पलकें नहीं होती हैं तो उनकी आंखें हमेशा खुली ही दिखाई देती हैं। हर मछली के सोने का तरीका अलग होता है। कई मछलियां गहराई में जाकर या किसी पत्थर की आड़ में सो जाती हैं। वैसे कहा जाता है कि अपने अंडों की रक्षा के वक्त वो कई दिनों तक सोती नहीं है और तैरती रहती हैं। इसलिए सोने की क्रिया हर मछली की अलग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।